नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही पवित्र है दोस्तों, क्योंकि आज रथ यात्रा है। क्या है रथ यात्रा दोस्तों? हम इसी विषय के ऊपर में आज सीखेंगे और तेलुगु भाषा में किस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं इसी विषय में आज हम सीखेंगे। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन तक आ जाए। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सब पूरी जाएंगे, आज हम सब पूरी जाएंगे। ई रोजु मे मंदिरम पूरी की वेळ्तामु, ई रोजु मे मंदिरम पूरी की वेळ्तामु। आज ई रोजु हम सब मे मंदिरम पूरी 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 की पूरी जाएंगे, वेळ्तामु या वेळ्तामु। वहां पर हम भगवान के दर्शन करेंगे, वहां पर हम भगवान के दर्शन करेंगे। अक्कड मेमु भगवंतुनि दर्शनम चेस्तामु, अक्कड मेमु भगवंतुनि दर्शनम चेस्तामु। वहां पर अक्कड़ा हम मेमु भगवान के देवुनि दर्शन करेंगे, दर्शनम चेस्तामु। वहां पर हम भगवान के दर्शन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम है कि पूरी में कौन से भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ दोस्तों, वहां पर हम प्रभु जगन्नाथ का ही दर्शन करते हैं। किसका दर्शन करते हैं? प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद हम समुद्र किनारे जाएंगे, भगवान के दर्शन करने के बाद हम समुद्र के किनारे जाएंगे। भगवंतुनि दर्शनम चेसिन तर्वात मे मंदिरम समुद्र तीरानिकि वेळ्तामु, भगवंतुनि दर्शनम चेसिन तर्वात मे मंदिरम समुद्र तीरानि वेळ्तामु। भगवान के दर्शन करने के बाद हम सब समुद्र के किनारे जाएंगे, भगवान के दर्शन करने के बाद। भगवंतुनि दर्शनम चेसिन तर्वात हम सब मे मंदिरम समुद्र के किनारे जाएंगे, समुद्र तीरानि वेळ्तामु। आज हम जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, आज हम जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे। ई रोजु मेमु जगन्नाथुडिनि पूजिस्तामु, ई रोजु मेमु जगन्नाथुडिनि पूजिस्तामु। आज हम जगन्नाथ जी की पूजा करेंगे, ई रोजु मेमु जगन्नाथुडिनि पूजिस्तामु, पूजिस्तामु पूजा करेंगे। ई रोजु आज हम मेमु जगन्नाथुडिनि पूजा करेंगे, पूजिस्तामु। पूजा के लिए आस पड़ोस के सभी लोग आएंगे, पूजा के लिए आस पड़ोस के सभी लोग आएंगे। पूज की इरुगु पुरुगु वालंदरू वस्तारू, पूज की इरुगु पुरुगु वालंदरू वस्तारू। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बहुत ही अद्भुत होती है, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बहुत ही अद्भुत होती है। జగన్నాథుడిని విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, జగన్నాథుడిని విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది। దోస్తో మూర్తిగా తెలుగు మే విగ్రహం బోతే హై, క్యా బోతే హై విగ్రహం। జగన్నాథుడిని విగ్రహం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, జగన్నాథ్ జీ కి మూర్తి బహుత్ హి అద్భుత్ హోతీ హై। सुभद्रा देवी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की बहन हैं। सुभद्रा देवी भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की बहन हैं। सुभद्रा देवी जगन्नाथुडु इनका बलभद्रुनी सोदरी, सुभद्रा देवी
జగన్నాథుడు ఇంకా బలభద్రుని సోదరి మతలబ్ छोटी बहन। दोस्तों आपको मैंने कहा था ना, आज हम सीखने वाले हैं पूरा उच्चारण के साथ सीखेंगे दोस्तों, उसीलिए आप, क्योंकि ये पर्व है, क्यों ना आपको सही उच्चारण के साथ आपको सिखाऊंगा ना दोस्तों, ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं जरूर काम में आएंगे। पूरी में यह त्योहार बड़े धूमधाम से पालन करते हैं। पूरी में यह त्योहार बड़े धूमधाम से पालन करते हैं। पूरी लो ई पंडुवनी చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు। పూరిలో ఈ పండుగని చాలా వైభవంగా జరుపుకుంటారు। దోస్తో ఇస్ వర్డ్స్ కో ఆప్కో మే ఏకే కర్కే బతా రహా హూ। పూరి మే పూరిలో యహ త్యోహార్ ఈ పండుగని బడే ధూమ్ధామ్ సే చాలా వైభవంగా, బడే ధూమ్ధామ్ సే చాలా వైభవంగా पालन करते हैं। जर्प कुंटारू, पालन करते हैं जर्प कुंटारू। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। देवनी दर्शनानी की, देवनी दर्शनानी की दूर प्रांताल निंची भक्तुलु वस्तारू। దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వస్తారు। దేవుని దర్శనానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు వస్తారు। క్యా కహా దోస్తో, దేవుని దర్శనానికి భగవాన్ కే దర్శన్ కే లియే దూర్ దూర్ సే దూర ప్రాంతాల నుంచి భక్త్ ఆతే హై, భక్తులు వస్తారు, భక్తులు వస్తారు। दोस्तों अगर हम बोलना चाहेंगे कि भगवान के दर्शन के लिए विदेशों से भी भक्त आते हैं, क्या कहा दोस्तों, मैंने कहा भगवान के दर्शन के लिए विदेशों से भी भक्त आते हैं। दोस्तों हम इस वाक्य को कैसे बोलेंगे, हम इस वाक्य को बोलेंगे देवुनि दर्शनानिकी विदेशाल नुंचि कूडा भक्तुलु वस्तारु। क्या कहा दोस्तों, देवुनि दर्शनानिकी विदेशाल नुंचि कूडा భక్తులు వస్తారు। భగవాన్ కే దర్శన్ కే లియే దేవుని దర్శనానికి విదేశాల నుంచి కూడా, విదేశం సే భీ భక్తులు వస్తారు, భక్త్ ఆతే హై। దోస్తో మే ఆప్ లోగో కో హర్ శబ్ద్ కా అర్థ ఏక్ ఏక్ కర్కే బతా రహా హూ దోస్తో। ఆప్ ఉన్ శబ్దో కో ఆప్ అచ్చీ తరహ సే అభ్యాస్ కీజియేగా, జిస్సే ఆప్ బహుత్ జల్దీ తెలుగు మే బాత్ కర్నే లగ్ జాయేంగే। జబ్ తక్ ఆప్ अभ्यास नहीं करेंगे ना दोस्तों, ये आप लोग को इतना जल्दी आने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप जितना अच्छा से अभ्यास करेंगे, मैं किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूँ आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, तो आप बहुत जल्दी तेलुगु में बात करने लग जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी का भोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भगवान जगन्नाथ जी का भोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जगन्नाथुनि नैवेद्यम चाला రుచికరంగా ఉంటుంది। జగన్నాథుని నైవేద్యం చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది। దోస్తో జో హం భోగ్ బోల్తే నా దోస్తో, జో హం భగవాన్ కో చడాతే హై, ఉస్కో హం తెలుగు మే బోల్తే హై నైవేద్యం। క్యా కహా దోస్తో, నైవేద్యం, జగన్నాథుని నైవేద్యం చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది, బహుత్ హి స్వాదిష్ట హోతా హై। భగవాన్ జగన్నాథ్ జీ కా భోగ్ బహుత్ హి స్వాదిష్ట హోతా హై। జగన్నాథుని నైవేద్యం చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది, స్వాదిష్ట్, రుచికర్। దోస్తో జగన్నాథ్ జీ కా ప్రసాద్ బహుత్ హి స్వాదిష్ట హోతా హై దోస్తో, బహుత్ హి స్వాదిష్ట హోతా హై। అగర్ భగవాన్ జగన్నాథ్ హమే ఉన్కే దర్శన్ కే లియే బులాయేంగే నా దోస్తో, తో मैं क्या दोस्तों, आप लोग भी जरूर पूरी जाइएगा और वहां भगवान का दर्शन कीजिएगा और वहां का जो महाप्रसाद होता है उसे आप जरूर खाइएगा दोस्तों। भगवान जगन्नाथ जी के भोग को महाप्रसाद कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के भोग को महाप्रसाद कहते हैं। दोस्तों इस वाक्य को हम तेलुगु में क्या कहेंगे, इस वाक्य को हम बोलेंगे जगन्नाथुनि नैवेद्यानि महाप्रसादम अंटारु। జగన్నాథుని నైవేద్యాన్ని మహాప్రసాదం అంటారు। జగన్నాథ్ జీకే భోగ్కు జగన్నాథుని నైవేద్యాన్ని మహాప్రసాద్ కహతే హై, మహాప్రసాదం అంటారు।
दोस्तों मैं भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जितना जानता हूँ, वहाँ के प्रसाद के बारे में जितना जानता हूँ, मैंने आप लोगों को आज बताया है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मुझे विदाई लेने का समय हो चुका है। जय जगन्नाथ।